ऑस्ट्रेलिया में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई अमेरिकी नौसैनिक घायल हो गए हैं और कुछ लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला हेलीकॉप्टर V-22 ऑस्प्रे है और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इसमें अमेरिकी मरीन्स सवार थे। इस हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री ड्रिल के दौरान इस्तेमाल कर रही थी। उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप पर हुए इस हादसे में 3 नौसैनिकों की मौत की खबर है जबकि बताया जा रहा है कि 20 नौसैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मेलेवेल द्वीप पर 3 नौसैनिकों के मौत की पुष्टि भी हो गई है। बेल बोइंग V-22 ऑस्प्रे ट्री लोटर एयरक्राफ्ट करीब 9 बजे क्रैश हुआ था। इस हादसे के तुरंत बाद नौसैनिकों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया गया कि इसमें 5 गंभीर स्थिति में थे और इलाज के लिए इनको 80 किलोमीटर दूर डार्विन ले जाया गया था। मरीन कोर की तरफ से बयान जारी कर इसकी पुष्टि की गई। बयान में कहा गया कि दुर्घटना के वजह की जांच हो रही है। उत्तरी क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर माइकल मर्फी के अनुसार बाकी घायलों को लेकर दूरदराज के स्थानों से लाने के लिए हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमान तैनात किए गए थे। जबकि उत्तरी क्षेत्र की मुख्यमंत्री नताशा फाइल्स ने कहा कि ये एक भयानक घटना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि युद्धाभ्यास के दौरान हुआ हादसा दुख देने वाला है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर की सेनाएं शामिल हैं। हालांकि चोट सिर्फ अमेरिकी सैनिकों को आई है क्योंकि जहाज जो था वो अमेरिकी सेना का था। अब जहां हादसा हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। मेलेवेल द्वीप समूह का हिस्सा है जो डार्विन के साथ एक्सरसाइज का सेंटर है। इस युद्धाभ्यास में 2500 सैनिक शामिल हैं। मर्फी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑस्प्रे रविवार को डार्विन से मेलेवेले के लिए उड़ान भरने वाले 2 विमानों में से एक था। लगभग 150 अमेरिकी नौसैनिक डार्विन में हैं और हर साल 2500 तक अमेरिकी सैनिक इस शहर में आते हैं। अमेरिकी सेना जुलाई से ही यहां पर एक्सरसाइज में शामिल है। जुलाई में पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया तट पर सेना का MRH-90 टाइफन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें 4 ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की जान गई थी और अब V-22 ऑस्प्रे क्रैश हुआ है जिसमें 3 अमेरिकी नौसैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और बाकियों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।